पहले तो ये जानना चाहेंगे राखी का और आदिल का जो भी इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों के आप लोगों का नाम ड्रैग किया जा रहा है। राखी ने काफी बार कहा है उन्हें आप जैसा बनना है, तो क्या कहना चाहोगे? आपसे मुलाकात हुई थी रमजान में राखी की, क्या कहना चाहोगे? जवाब मैं दूंगा जी, बिल्कुल। इसलिए दोनों हमारे भाई बहन है, भाई आदिल भी मेरे भाइयों की तरह है और बहन राखी भी मेरी बहन की तरह है। तो बस दुआ यही करता हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही है, ये अगर आप लोग मेरे साथ भी हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता। अब आया हूँ, दोनों से मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके जो मसाइल है आपस में ख़त्म किए जाए और जो चीज़ें कोर्ट में और जहाँ हमारा नाम लिया जाता था उसका भी मैं आज यही तो आया हूँ। कुछ अमानतें उनकी मेरे पास थी, दोनों ने मुझे एक तरफा रखवाई थी, वो अमानतें दिए, तो उस सिलसिले में उनको मैं बिठाऊंगा। मेरी तरफ से कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से इस मसले को खत्म किया जाए। भाई तेरे है ना, वो उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो जाने का अनस भाई, एक और एक चीज, जैसा अभी आपने कहा अमानत, और अमानत हमें पता चली कि वो कुछ चेक्स वगैरह, अमानत यही होती है ना कि अमानत होती है ना, अमानत। आप अगर मेरे से कोई बात कहते हो कि भाई ये बात है, मेरे लिए अमानत हो जाएगी मेरे मामले, उन्होंने जो कुछ कहा लेकिन मेरे पास अमानत है, दोनों की अमानत बस यही है। कहीं ना कहीं आप दोनों से ऐसा ना आप ही बस हमारी मोहब्बत है दोनों के साथ है, और हमारे अल्लाह के घर से आए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला दोनों को अपने मर्जियात में लगा रहे, और अल्लाह ताला दोनों को बहुत खुशियाँ दे और सबको खुशियाँ दे हमारे इंशाल्लाह। अनस भाई और सना, आप दोनों से सवाल है, सना आपने जो इंडस्ट्री से चेंज किया है, जो आपने चेंज लिया है, बिल्कुल बहुत बहुत तारीफ़ काबिल है ये बात। और इनफैक्ट अभी जो राखी कर रही है, काफ़ी लोग इसके ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं कि एक इस्लाम का मजाक बना रही है, और ये कोई इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया है, क्योंकि उनके पहले के फोटोज भी लीक हुए हैं जहाँ वो कुरान शरीफ उठा रही है, जबकि उन्होंने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया। ये उसका काम भी नहीं है, इसका काम का काम भी नहीं है, और उनको कुछ चीज़ों का पता भी नहीं हो अपनी दुनिया में। हाँ, इनके बारे में कुछ पूछना इनको पूछ लिया, अब मैंने कह दी भाई अमानत, मैंने यही कहा कि मेरे हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि जो भी चीज़ें चल रही है इंशाल्लाह इस चीज़ों को समेटा जाए और आपस में बैठकर जो भी मसाइल हो उनके हल किए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रहे। आमीन। Thank you.